ये देखिए किस प्रकार से जो है डबल फ्लिप करके जो है स्टंटबाजी कर रहे हैं। ये स्टंटबाजी करते हुए लड़का जो आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले हैं। इनका नाम जो है सो राहुल पासवान है। इनकी दादी जो है सो इसके स्टंटबाजी को लेकर के काफी गुस्से में रहती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे ही ये फ्लिपिंग करते हैं वैसे ही इनकी दादी जो है इन पर गुस्सा हो जाती है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। दुमंजला से सीधा फ्लिपिंग करके नीचे कूद जाते हैं। ऐसा स्टंटबाजी आपने शायद नहीं देखा होगा। आपने देखा भी होगा तो इसके लिए तमाम तरह के सुरक्षा किट लगाए जाते हैं। जिस प्रकार से ये लड़का जो है स्टंटबाजी कर रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़े जोखिम में अपने आप को डाल करके ऐसे स्टंटबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये लड़का जो है स्टंटबाजी करते हुए तब वायरल हुए हैं जब इनकी दादी जो है छत पर से कूदते हुए देख लिए थे, और ऐसे में जो है सो उनकी दादी उन पर काफी गुस्सा हो जाती है और ये वीडियो काफी तेजी से पूरे इंडिया सहित पूरे वर्ल्ड में जो है सो वायरल हो जाती है। और आपको बता दें कि ये किस प्रकार से जगह जगह पर जाकर के स्टंटबाजी कर रहे हैं वो आप पहले देख लीजिए। किस प्रकार से जो है सो डबल फ्लिप करके जो है सो छलांग लगा करके हवा में डबल फ्लिप करते हुए सीधा नीचे गिरते हैं। हालांकि जहां ये डबल फ्लिपिंग करते हैं वहां बालू वाला जगह है इसलिए थोड़ा जोखिम उतना नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से ये लगातार एक मंजिला दुमंजिला से स्टंटबाजी करते हुए फ्लिपिंग कर रहे हैं और नीचे में किसी प्रकार का सुरक्षा किट नहीं है तो ये कहीं ना कहीं जान को जोखिम में डालने वाला है। और ऐसे में कोई दूसरा युवा इसको लेकर के स्टंटबाजी भी करेगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए खतरा भी साबित हो सकता है। सोशल मीडिया पर देखते हैं और तुरंत जो है उसका नकल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से राहुल पासवान ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक छोटे से गांव से फ्लिपिंग करके स्टंटबाजी कर रहे हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये जो जोखिम भरा स्टंटबाजी कर रहे हैं इसके लिए सुरक्षा किट का व्यवस्था किया जाए और इसके अंदर में जो टैलेंट है इसके टैलेंट को बाहर निकाला जाए ताकि इनका जो टैलेंट है देश दुनिया देख सके। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जगह इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है, फिर भी हम कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के सरकार से इसके लिए तमाम तरह के सुरक्षा किट है वो मुहैया करवाइए ताकि ये युवा के साथ में किसी प्रकार का जो है सो अनहोनी ना हो। लेकिन देख सकते हैं तमाम तरह के मीडिया उनके घरों तक पहुंच रहे हैं और जैसे ही मीडिया पहुंचते हैं तो वो लड़का राहुल पासवान जो है सो स्टंटबाजी करके दिखाते हैं, फिर जो है सो मीडिया कवरेज होता है। लेकिन उनके जान के साथ बहुत बड़ा जोखिम भी कहा जा सकता है, खतरा भी कहा जा सकता है, जैसा कि वो स्टंटबाजी कर रहे हैं। आप लोग से गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और राहुल पासवान जो स्टंटबाजी खतरनाक स्टंटबाजी कर रहे हैं वो कृपया आप लोग नहीं करिए, नहीं तो आपके साथ जोखिम बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए विनती है कि आप लोग इस प्रकार का स्टंटबाजी नहीं कीजिए, बिना किसी दक्ष प्रशिक्षक के अगुवाई में आप लोग इस प्रकार के स्टंटबाजी ना करें, यही आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो किसी प्रकार की खतरा जो है सो आपके साथ हो सकती है, अनहोनी हो सकती है।